What's up guys, welcome back in my another video। तो भाई आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे होस्टिंग के बारे में जहाँ पे आपको मिलेगा 8GB रैम, 40GB का स्टोरेज एंड 200GB CPU, वो भी सिंगापुर लोकेशन भाई, एंड बहुत सारे लोकेशन आपको मिलेंगे। तो भाई बहुत ही ज़रा कमाल का होस्टिंग है। अगर आपको ये होस्टिंग के बारे में पूरा डिटेल में जानना है तो भी भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। एंड भाई मैं भाई 400 सब्सक्राइबर पहुँच ही गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मैं 396 पे वापस आ गया। तो भाई प्लीज़ से मुझे फिर से 400 पे पहुँचा दो सब्सक्राइबर्स। तो भाई शुरू करते हैं वीडियो। तो ये होस्टिंग का डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो। फिर यहाँ पे आपको ये GTX पे क्लिक करना है इधर। तो यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, जाने के बाद यहाँ पे आपको शो ऑल चैनल्स या ऑफ भी हो सकता है या ऑन भी हो सकता है, इसको ऑन कर लेना। फिर यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन वाले कैटेगरी पे आपको ये वेलकम टू GTX दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको बहुत सारा लिंक्स मिलेगा, यहाँ पे आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक कर देना है। फिर ये आपको थोड़ा लोड होगा, फिर आपको यहाँ पे अपना डिस्कॉर्ड अकाउंट से साइन इन कर लेना है। तो ये हो रहा है थोड़ी देर, तो यहाँ पे आपको अपने डिस्कॉर्ड अकाउंट से ऑथोराइज कर लेना है। तो मैं कर देता हूँ, तो ये थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मुझे एक दूसरे पेज पे ले गया, यहाँ पे नया इंटरफेस खुल के आ चुका है। यहाँ पे एक्सप्लोर द न्यू डैशबोर्ड पे क्लिक कर देता हूँ, तो मुझे ये दूसरी वेबसाइट पे लेके चला गया। यहाँ पे देख सकते हो मेरा लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, तो मेरे पास अभी 6GB रैम, 125% CPU एंड 43GB डिस्क। तो ये मुझे कैसे मिला? वैसे मैंने रैम को अपग्रेड किया है 2GB एंड CPU मुझे फ्री में मिला। कैसे मिला बताता हूँ। एंड इसमें डिस्क 40GB आपको मिलता है एंड 3GB मुझे फ्री में मिला, कैसे मिलता वो बताता हूँ, रुको। तो यहाँ पे आपको डेली क्रेडिट्स मिलेगा, मैं और मुझे इतना मिनट और वेट करना पड़ेगा, फिर जाके मैं ये दोबारा से क्लेम कर पाऊँगा। तो बात करता हूँ ये मुझे फ्री में कैसे मिला। तो यहाँ पे आपको नीचे लिखा हुआ है GTX समर इवेंट, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे जाना है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। तो आज 28 तारीख है, तो मैं ढूंढ लेता हूँ ये रहा। तो ये देख सकते 25 मई को मैंने क्लेम किया था, मुझे 3GB डिस्क मिला था एंड कल मैंने किया था मुझे ये कॉइन्स मिले। तो यहाँ पे मुझे, तो मैंने आज भी क्लेम किया था मुझे 25% CPU फ्री में मिला। तो कल करूँगा, तो मुझे कल कुछ नया मिल सकता है रैंडमली कुछ भी। तो मैं यहाँ पे बैक चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना, तो मैं बता दूँ कॉइन्स का सिस्टम क्या है इधर। तो कॉइन्स आप डेली क्लेम कर सकते हो, इधर पर मिलेगा। यहाँ पे आपको इकोनॉमी पे क्लिक कर देना है, यहाँ से आप AFK रह के भी आप कॉइन कलेक्ट कर सकते हो। तो AFK रह के कॉइन कलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको ये ट्रांसफ़र पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे अगर आपका कोई दोस्त भी ये करता है, ये होस्टिंग यूज़ करता है, तो आप उसका यूज़र आईडी डाल सकते हो। फिर आपको अपना अमाउंट डाल देना है, तो उस आपका क्रेडिट आपके दोस्त के अकाउंट पर ट्रांसफ़र हो जाएगा। यहाँ पे आपको रेफरल्स भी देख रहा होगा, ऐसे आप अपने रेफरल को, या से आप अपने दोस्त को इनवाइट कर सकते हो। बात करते हैं स्वैप, स्वैप क्या चीज़ है। तो जब आप वो डेली रिवॉर्ड क्लेम करोगे एंड AFK करोगे, तो वो सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा, ये जो दिखा रहा हूँ ये आपको मिलेगा। तो इसको आपको इस पर स्वैप करना होगा। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको ये ऐसा ही रहना देना है, कुछ छेड़छाड़ मत करो। तो मान लो मेरे पास 100 कॉइन्स है, मतलब 100 रुपये है, इसको मैं स्वैप करूँगा, लेकिन नहीं होगा। फिर आपको ये यहाँ पे $100 होगा, तो ये मेरे पास इधर स्वैप हो जाएगा। फिर मैं यहाँ पे स्टोर पे जाऊँगा, स्टोर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो देख लो, तो मैंने यहाँ पे ख़रीदा था रैम, तो अभी उतना क्रेडिट है नहीं कि खरीद पाऊँ। तो ओवरव्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैं न्यू सर्वर क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो भाई न्यू सर्वर क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी लोकेशन चूज़ कर लेना है, मैं फिलहाल ये सिंगापुर कर लेता हूँ। फिर मुझे अपने मोबाइल को सीधा करना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं होगा ऐसे। तो सीधा कर लेने के बाद यहाँ पे आपको अपने सर्वर का कोई भी नाम दे देना है। फिर मेरे पास 6GB रैम है, तो मैं 6 दे देता हूँ एंड 43GB डिस्क है एंड 1.25% CPU।
एंड यहाँ पे मैं वनीला बेडरॉक कर देता हूँ। एंड यहाँ पे आपको क्रिएट सर्वर पे क्लिक कर देना है, तो ये थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। तो देख सकते हो मेरा सर्वर, ये सर्वर क्विट फॉर डिप्लॉयमेंट तो हो रहा है, मतलब हो चुका है, थोड़ा ग्लिच है। तो अभी आपको अपना पैनल लॉगिन करना है, तो यहाँ पे आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे आपको पैनल का लिंक मिल जाएगा, लेकिन पैनल को लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल और पासवर्ड चाहिए। ईमेल आपको अपना डिस्कॉर्ड सर्वर में जो ईमेल रहेगा वही ईमेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको शो पासवर्ड कर लेना है, करने के बाद आपको अपना पासवर्ड दिख जाएगा। फिर आपको क्लिक पैनल पे क्लिक कर देना है, फिर आपको अपने पैनल पे डायरेक्ट ले जाएगा। मैंने ऑलरेडी लॉगिन करके रखा है तो नहीं है, तो देख सकते हो सर्वर मेरे पास आ चुका है। तो मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं स्टार्ट पे भी क्लिक कर देता हूँ। वैसे मैंने वनीला बेडरॉक किया है क्योंकि वो सर्वर जल्दी स्टार्ट हो जाता है। तो ये स्टार्ट हो रहा है, देख सकते हो स्टार्ट हो चुका है। मैं पे क्लिक करता हूँ, आईपी को कॉपी कर लेता हूँ। एंड रैम देखो, सीपीयू देखो, स्टोरेज देखो। तो अभी मैं अपना गेम ओपन करके दिखाता हूँ सर्वर कैसा चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग्स से कुछ भी कर सकते हो, फाइल्स में भी जा सकते हो, कोई भी मैप अपलोड कर सकते हो। तो अभी मैं गेम ऑन करके दिखाता हूँ। तो देख सकते हो मेरा गेम ओपन हो चुका है। तो अभी मैं अपना सर्वर ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे न्यू सर्वर, यहाँ पे मैं अपना आईपी को पेस्ट कर देता हूँ एंड नीचे पोर्ट लिख दूंगा 251176। अरे 251176, यहाँ पे मैं ऊपर वाला काट देता हूँ। अब आप उसको कोई भी नाम दे सकते हो सर्वर का, मैं सर्वर ही रख देता हूँ, स्पेलिंग गलत है। सर्वर पिंग देख लो भाई, बहुत ही अच्छा पिंग आ रहा है, तो आप बहुत ही अच्छे से खेल सकते हो बिना किसी लैग के। तो यहाँ पे मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ये हो रहा है। तो गाइस देख सकते हो मैंने सर्वर को ज्वाइन कर लिया। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सर्वर कैसा है। तो अभी मैं ब्लॉक्स को तोड़ के दिखा देता हूँ भाई, देख लो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, कोई भी लैग नहीं, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। पेड सर्वर से भी अच्छा है शायद से, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन भाई बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है सर्वर। यहाँ पे मैं वुड तोड़ के भी दिखा देता हूँ, टूट जा जल्दी से, टूट जा। हाँ देखो भाई, कोई भी डिले नहीं देखने को मिल रहा है, एंड पिंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो भाई आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया तो भाई लाइक कर देना, शेयर मत करना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।